हे गाइस इट्स मी धीरू मानचेक। सो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रियल लाइफ GTA की और इंडियन वर्जन ऑफ वो कुंफू हसल वाली खतरनाक लेडी की, और आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ डार्क साइड ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम देखेंगे कि इंसान पैसों के लिए किस हद तक गिर सकता है। गाइस क्या तुम्हें वो कुंफू हसल की खतरनाक बैड एस लेडी याद है? अरे वही जो अपने मुंह में ऐसे सिगरेट फंसा के रखती थी। अरे बहुत ज्यादा खतरनाक थी वो, सब उससे डर के रहते थे। तो गाइस ये दादी अम्मा उस खतरनाक लेडी का इंडियन वर्जन है। मजाक बना के रखा है यार, भगवान के लिए डर जाओ दादी, प्लीज डर जाओ यार। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं बाकी नागों को, प्लीज बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, डर जाओ दादी। अगर फॉरेन में घर के अंदर सांप आ जाता है तो प्रोफेशनल स्नेक कैचर को बुलाया जाता है, लेकिन अगर इंडिया में आ जाता है तो नो प्रॉब्लम। काश ये दादी मेरी जिंदगी में से भी कुछ सांपों को निकाल के ऐसे ही बाहर फेंक देती। वो भी सांप ही थी, काट के चले हैं बाहर की रोड। रोड से अभी एक कार गुजरी है, अभी रोड एकदम खाली सुनसान है, अचानक से एक बाइक आती है, गुलाबी शर्ट वाले बंदा जो कि नीचे गिर गया, बाइक भी नीचे गिर गया, नीली शर्ट वाले ने हेलमेट निकाला और गुलाबों को मारा, गुलाबों अपने आप को बचाने के लिए भागा, अभी नीली शर्ट वाला भी भागा और गिर गया, गुलाबों आया और बाइक उठाई इसने और यहाँ से चलता बना। भयंकर दिमाग की माँ बहन एक हो गई, करना के जा रहे थे दोनों। और अब ये गुलाबी शर्ट वाला फिर से आता लेफ्ट साइड से और अपनी चप्पलें उठाता, बाइक कहाँ चली गई इसकी, और इसने अपनी चप्पलें उठाई और राइट साइड में भाग गया। ओ भाई मे भी गुलाबो ने आगे वाले बंदे के गिलगिली करी है, उसको पसंद नहीं आया होगा तो उनने कहा होगी भाग जा भूतनी के यहाँ से। फिर गुलाबो को इस बात पे गुस्सा आ गया होगा और उसने सीधे हेलमेट लिया और मार दिया पट्टे सी खोपड़ी पे। या फिर ये दोनों बाइक चोर होंगे, इन्होंने साथ में मिलके बाइक चुराई होगी, फिर इनमें लड़ाई होगी होगी कि या फिर इस गुलाबी शर्ट वाले की बाइक होगी, या नीली शर्ट वाला लेके भाग रहा हो, गुलाबी शर्ट वाला इसके पीछे भागा, इसने इसके मारा अपनी बाइक लेके, वो सीधा घर चलते बना। पता नहीं यार कुछ भी हो सकता है। देखो चलिए चल के गुलाबो जी से ही जान लेते हैं क्या हुआ था। चालू है जी जी जी, चालू है बोलिए। हे गाइस दर्शक बॉय गुलाबी झाट का पिल्ला AKA गुलाबो, आज देखो भैया हुआ कुछ ऐसा, हम दोनों गाड़ी चुरा के घर को आ रहे थे, रास्ते में पड़े थोड़े गड्ढे, नगर पालिका को बुलाइए और गड्ढे भरवाइए। तुम ही हम लोग भैंस कदम जा रहे हैं, सॉरी सॉरी। अच्छा फिर गड्ढों में हमारा सब कुछ थोड़ा हिल गया और फिर हमारा उन्हें आगे वाले से कई कांड दे दे, उन्हें मानी नहीं, फिर हमने निकाला और क्या हेलमेट निकाला बाहिंचोद, हेलमेट 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 निकाला और पट देसी खोपड़ी पे मारा, पट देसी खोपड़ी पे मारा। अच्छा ये बताइए आप घूम के वापस क्यों आए थे? चप्पल लेने गए थे, बाहिंचोद 70 रुपए की ली थी बुद्ध बाजार से, कैसे छोड़ देते। ओके गाइस अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा तुम्हारा फेवरेट शो है या फिर फेवरेट शो था तो अभी तुम्हारी चाइल्डहुड मेमोरी बर्बाद होने वाली है, मेरी हो चुकी है इसलिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें। लेकिन पापा मुझे काला खट्टा खाना है। हाँ हाँ मुझे भी, और वैसे भी गोले के बीच में जो डांडी होती है ना वो तो घर में है नहीं, और गोला खाने का असली मजा तो उस डांडी को ऐसे पकड़ के ऐसे काला खट्टा खा लो फ्रेंड। तो गाइस इसका मतलब जेठालाल को बबीता जी पसंद है और दया को अय्यर भाई। मुझे काला खट्टा खाना है। हाँ मुझे।
भैया वीडियो इधर खत्म नहीं होता, असली कांड तो अब शुरू होगा। टफो लगता बाबूजी ये रियल जॉनी सिंस का बचपन, जॉनी सिंस का बुढ़ापा। व्हाट द फक, बाबूजी द रियल लेजेंड। ओ भाई टप्पू ने ये शो बाद में छोड़ दिया था ना, यही रीजन था। ऑफेंड नहीं होना, मजाक था, सिर्फ मजाक था। और वीडियो मैंने एडिट नहीं करा है, लेकिन जितने भी करा हैंचो। तो गाइस तुमने अक्सर लोगों को कहता हुआ सुना होगा कि साले तू पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। हो सकता है तुम्हारे दोस्त तुम्हें कहते हो साले चुगल गुंडे तू किसी भी हद तक पैसों के लिए गिर सकता है। गाइस ये एक लाइव शो का फुटेज है जो तुम्हें प्रूव करेगा कि इंसान पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। मेरी जिंदगी के मालिक यही तुम बदल हाय। भाई के घुटनों की कटोरियां टूट गई होंगी। और ये इस वीडियो का बेस्ट पार्ट ये नहीं है कि ये आदमी एकदम से गिर के खड़ा हो गया। चार बंदों के सामने कोई बंदा गिर जाता तो वो एकदम से खड़ा हो जाता, ये तो कितने सारों के सामने था, इसका खड़ा होना तो बनता था। इस वीडियो का बेस्ट पार्ट ये है कि ये भयंकर गिर के उठने के बाद भी गाना गाता लगातार। गांड फट गई लेकिन गाना गाना बंद नहीं करा। डेडिकेशन वे हैंचो, डेडिकेशन। लेकिन भाई यार कुछ भी कहो, भाई के घुटनों की कटोरिया बहुत तेज टकराई होंगी। अबे अगर मैं जमीन पे सांप बन के लहरता हूं ना, मेरा घुटना टकरा जाता जमीन से तो मेरी फट के चौसट हो जाती है। लेकिन भाई तो सांप बन के लहरता क्यों है? मुझे तो जब भी बोनर आता है मैं ऐसी करता हूं। तो ऐसी वीडियो में इधर ही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और लास्ट टाइम हमने लाइक कैम रखा था 1.5 लाख लाइक्स का, इस बार अभी पता नहीं है वीडियो तुम्हें कैसा लगा होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी हम लाइक कैम रखेंगे। हम लाइक कैम रखते हैं इस बार 1,60,004 लाइक्स का, सो लाइक जरूर करना। और कैसे अगर तुम्हें ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज और सबसे रिलेटेड तुम सारी इन्फॉर्मेशन रखते हो तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से बिनोम ऐप डाउनलोड करके वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हो। और कैसे एक और बात, मेरा एक गेमिंग चैनल भी है डीमॉन चेक नाम से, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो गेमिंग वेमिंग में तो आ जाओ उधर, वीडियो देख लेना, चेक कर ले एक बार, अगर तुम्हें पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो नहीं करना भैया। इधर मिलते हैं अगले हफ्ते, ठीक है? अभी वीडियो लाइक करके आना।